ओके, तो आज कर रहे हैं हम एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कार का, सफारी का। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद और लगभग लगभग 50,000 किलोमीटर के बाद, क्योंकि एक व्यूअर बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बहुत टाइम से रिव्यू नहीं आया है, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट पे रिव्यू है एंड बहुत टाइम के बाद एक वीडियो भी आ जाएगी इसी बहाने। तो इसमें गाड़ी की अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी चीज़ें काउंट करवाएंगे, प्लस स्पेसिफिकेशंस और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। जो स्पेसिफिकेशंस हमें पता होती हैं वो सही नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें भी बताएंगे। अगर पॉसिबल रहा तो कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में थोड़े से एडिटिंग करके सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह की भी ट्राई करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ सारी की सारी वीडियोस बिल्कुल प्लेन ही होती हैं। तो चले देखते हैं क्या होता है आज का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रियर सीट्स में लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है एंड सीट्स आर प्रीटी मच वेरी कंफर्टेबल। इवन अगर आपको पता हो तो सफारी के जो रियर सीट बेंच है उसे एम्परर सीट्स कहा जाता है, क्योंकि इनका कंफर्ट इतना सुप्रीम है रियर बेंच के लिए। और उसके बाद हमें इसमें मिलता है एक आर्मरेस्ट, जिसके अंदर हमें मिलते हैं दो कप होल्डर्स, प्लस थोड़ी सी सामान रखने की जगह भी होती है, मतलब थोड़ी सी के बहुत ज़्यादा है ये। तो रियर सीट्स कंफर्ट का काफ़ी ध्यान रखा गया है गाड़ी में। वैसे वहीं पर अगर पीछे वालों के लिए विंडो एरिया देखा जाए तो काफ़ी लार्ज विंडो एरिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं होता। और एक रियर रो है एयर कंडीशनिंग की, और उसके साथ साथ नीचे भी वेंट्स हैं, तो वेंटिलेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आते हैं हम बूट एरिया में, स्पेस बहुत ज़्यादा है अगर आपको सामान रखना है तो। इवन आप अगर वीकेंड ट्रिप्स के लिए जा रहे हैं तो बहुत इजीली जा सकते हैं, 5-6 सूटकेसेस बहुत इजीली आ जाते हैं। साथ में हमें दो जंप सीट्स भी मिलती हैं, मतलब ये आप शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें लॉन्ग ट्रैवलिंग में यूज़ किया जाए तो जो भी यहाँ बैठेगा उसके लिए बहुत पेन है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको हेडरूम भी ज़्यादा नहीं मिलता इस जगह पर, तो बच्चे बैठ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। अब हम आ गए हैं फ्रंट सीट्स पे, तो आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के अंदर एक एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका VX वेरिएंट है, जो सबसे टॉप वेरिएंट है, उसके अंदर एयर बैग होगा और ये कवर्ड होगा, तो VX वेरिएंट में ये नहीं होता। उसके बाद आपका डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके डिस्क्रिप्शन में भी हम जाएंगे, प्लस AC वेंट्स, चीज़ें हैं, फॉग लाइट स्विच, रियर फॉग लाइट स्विच, डिफ्रॉस्टर, हेजार्ड लैम्प, रियर विंडो वॉशर, रियर विंडो वाइपर और आपका फ्यूल लिड ओपनर, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपका ये एयर कंडीशनिंग का स्विच है, ये रिसर्कुलेशन वाल्व है, स्टीरियो, और उसके बाद थोड़ी सी सामान रखने की जगह, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या रखा होता है हमने, कॉइन पॉकेट्स, एक्चुअली में बॉटल होल्डर्स जो किसी काम के नहीं है, बॉटल टिकती नहीं है इसके अंदर, पर थिंग इज कि हाँ कॉइन रखे जाते हैं। अगर आप 500 ml वाली या 600 ml वाली बॉटल रखते हैं तो वो टिक जाती है, लेकिन उससे बड़ी बॉटल ट्राई करेंगे तो वो टिकती नहीं है। आपका सेलफोन के लिए थोड़ा सा स्पेस है इस साइड पे, थोड़ा सा पीछे आके सेलफोन बहुत ही आराम से आता है, ऐसा लगता है पूरी फिट पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट जगह दी गई है सेलफोन के लिए। चलते हैं उस वाली साइड पे, ड्राइवर सीट पे। ड्राइवर और को पैसेंजर जो ड्राइवर के साथ बैठता है वो होते हैं सुप्रीम कंफर्ट में। आपके पास अपने सेपरेट हैंड रेस्ट होते हैं, जो सीट बेल्ट है वो आपकी एडजस्टेबल है, जैसे आप देख सकते हैं, आप इसको रेड बटन प्रेस करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द योर कम्फर्ट। एंड देन आते हैं हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर डिटेल, हमें मिलता है एक स्पीडोमीटर, जिसके साथ मिलता है हमें टेम्परेचर मीटर, फ्यूल गेज और उसके साथ टैकोमीटर जो आपकी इंजन स्पीड दिखाता है, जिसे हम RPM मीटर भी कह देते हैं। वाइपर स्टॉक आपके पास
इंटरमीडिएंट वाइपर के लिए भी ये भी आपके वेरिएबल स्पीड्स हैं। आपको ड्राइवर साइड पे ही मिलती है दो पॉकेट, बोतल तो नहीं रखी जा सकती लेकिन बहुत सारा और सामान आ जाता है। तो अब करते हैं कार को एक बार स्टार्ट और देखते हैं, जैसे डीजल्स फेमस होती हैं अपने शटर के लिए, बंद होने पे भी स्टार्ट होने पे इसकी कितनी है, अच्छी खासी आती है। द थिंग इज़ कि जैसे जैसे गाड़ी ठंडी है अभी तो थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको फील होगी, जैसे जैसे वो ओवर द टाइम थोड़ी वार्म अप होती जाएगी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तो वाइब्रेशन सेटल डाउन हो जाती हैं। बट एज़ यू से कि 5 साल बाद 6 साल बाद यह बताना कि उसके वाइब्रेशन कितनी है, ऑब्वियसली आपको नई गाड़ी से हमेशा वाइब्रेशन ज़्यादा ही मिलेगी क्योंकि विद द टाइम माउंट के जो रबर होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं और वो ज़्यादा वाइब्रेशन सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं बॉडी में, विच यू कैन फील इन साइड द कैबिन। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी हमेशा नहीं रहे और वाइब्रेशन आपको कैबिन के अंदर फील ना हो, तो आपको तीनों माउंट, इंजन इंजन माउंट, ट्रांसमिशन माउंट और एक माउंट पीछे स्टेबलाइजेशन माउंट होता है, वो तीनों माउंट चेंज करवा देने चाहिए। कई कई गाड़ियों में 4 भी होते हैं, स्टेबलाइजेशन माउंट 2 होते हैं, तो अगर आप चारों चेंज कराएंगे तो आपको वो चीज़ इंस्टेंटली फील हो जाएगी कि यस कोई काम हुआ है गाड़ी में, वाइब्रेशन बहुत कम फील हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स के साथ होता है, सस्पेंशन में भी, क्योंकि वो रबर से बने होते हैं, जैसे रबर के उनके जॉइंट्स होते हैं तो वो ड्राई अप हो जाते हैं, ड्राई अप होने के बाद ख़राब होना शुरू होते हैं या फिर वो इतने सॉलिड हो जाते हैं कि आपको ईच एंड एवरी वाइब्रेशन फील होती है उस चीज़ की। तो विद टाइम चीज़ें एज अप होती हैं एंड ख़राब होना नॉर्मल सी बात है, वेयर एंड टेयर बहुत नॉर्मल है। एंड सॉरी मैंने 50,000 किलोमीटर बोला था, मेरी तो 50 भी नहीं चली, इट्स जस्ट 42, बहुत कम चली हुई है। एंड एक बार बंद करके शटर दिखाते हैं, बंद में भी शटर अच्छी खासी आती है। एयर कंडीशनिंग बहुत ही सुप्रीम वर्क करती है, इवन ऑन द हॉटेस्ट ऑफ द डेज इट कैन चिल द कैबिन विद इन 6 to 7 मिनट्स। अगर आप धूप में भी हैं आपको ये चीज़ फील होती है कि हाँ एयर कंडीशनिंग एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आप देखते हैं ऊपर जाते हैं तो आपके पास है डोम लाइट्स, एक है मेन लाइट जो अभी चल नहीं रही है, डोंट नो वाई। उसके बाद आपके पास आती है 2 रीडिंग लैंप्स, टिकट होल्डर्स विद अ वैनिटी मिरर, एंड एक चीज़ और जो शायद मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं है कि जैसे ही आप सफारी में डिमिस्टर ऑन करते हैं आपका रियर जो शीशा है वो हीटअप होना स्टार्ट होता है। ये सिर्फ रियर वाले विंडोज़ के लिए नहीं, रियर टेलगेट विंडो के लिए नहीं होता है, आपके जो दोनों आउटसाइड रियर व्यू मिरर हैं वो वाला और ये वाला, ये दोनों भी बैक साइड से हीटेड हैं, तो ये तीन चीज़ें हीट होती हैं हमेशा। उसके बाद आती है पेडल्स की बात, क्लच का ट्रैवल बहुत ही लंबा है एंड क्लच फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा हार्ड है। फिर आते हैं हम इंजन बे में, इट्स अ 2.2 VTT डाइकोर, डाइकोर स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल, जो पंप आउट करता है 140 PS विद 320 Nm ऑफ टॉर्क। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 140 PS की पावर जो कंपनी रेट करती है वो पूरी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो पावर रेटिंग होती है वो होती है क्रैंक पे, और यूजुअली जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 20% मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, तो व्हील पे जो भी मिलता है आपको वो 140 का सिर्फ 80% मिलता है, तो समवेयर और 28 हॉर्स पावर आपकी सिर्फ मैकेनिकल लॉसेज में ही चली जाती है, तो जो आपको असली हॉर्स पावर मिलती है वो नियर अबाउट 112 110 के आसपास होती है, उससे ज़्यादा आप कभी अटेन नहीं कर पाएंगे। ये हर गाड़ी के साथ होता है मैकेनिकल लॉसेस, किसी के 20% होते हैं, किसी के 15, किसी के 16, तो बस एक जनरल रूल के हिसाब से उसे 20% रखा जाता है हमेशा। बाकी ब्रेक्स आर यू कैन से ओके ओके, फ्रंट आर डिस्क, रियर आर ड्रम, थोड़ा कॉन्फिडेंस एस्पायर नहीं करती ब्रेक्स कोई भी, बट हाँ व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग दिस थिंग आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स प्रेडिक्टेबल। और उसके बाद आपके गियर लीवर और गियर थ्रोस, लॉन्ग गियर थ्रोस क्वाइट लॉन्ग, बट हाँ वही बात है जैसे जैसे आप हैबिट में आ जाते हैं आपके लिए नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद आप कोई और गाड़ी चलाएंगे तो फिर आपको वो ऑकवर्ड लगती है। उसके बाद आती है आपकी टेल गेट जो हॉरिजॉन्टली माउंटेड है और पीछे एक स्पेयर व्हील है बहुत बड़ा, जो कई लोगों के हिसाब से अच्छा लगता है और कई लोगों के हिसाब से बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। उसके बाद आती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम
रियर बम्पर हमेशा लटका रहेगा। जितनी मर्जी बार ठीक करवा लो, जितनी बार टेल गेट खोलोगे फिर वो लटकेगा, थोड़े टाइम सही चलेगा फिर लटक जाएगा। तो दिस थिंग इज़ अ पेन। अनदर इशू इज़ रस्टिंग। थोड़ी थोड़ी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे रस्ट, जहाँ पे पानी रुकता है वहाँ हमेशा रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये चीज़ है ही। और नॉट टू फॉरगेट द माइटी बॉडी रोल। जितनी भी कार्स आपकी फ्रेम बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन की होती हैं वो सारी रोल करती हैं। जितनी बार मोड़ पे आप मोड़ने की कोशिश करते हैं वो झूलेगी। वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। द मैक्स टू मैक्स वी कैन डू इज़ कि हम थोड़ा सा उसे कम कर सकते हैं जस्ट बाय एडजस्टिंग द स्वे बार लिंक्स, जो मेरी एक पिछली वीडियो में है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं, या टॉप राइट कॉर्नर में आ जाएगा उसका लिंक। तो उससे आप थोड़ा बहुत उस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा ख़त्म करना इज़ नॉट पॉसिबल। इट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिज़िक्स, वी कांट डिफाई दैट। अब जैसे कि हम कार को ड्राइव पे लेके आ चुके हैं, कुछ चीज़ें ड्राइव के टाइम पे ही पता लगती हैं, तो हम ड्राइव करते हैं। ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 140 PS ऑफ पावर, जिसमें से 20% मैकेनिकल लॉसेज में चला जाता है आपका। सो यू एंड अप हैविंग 112-113 हॉर्स पावर, सो विच इज़ अवेलेबल टू यू एट ऑलमोस्ट 4200 RPM, जो टॉप रेंज है पावर की, जहाँ पे पावर मैक्स आउट हो जाती है 4200 RPM पे। और आपकी जो टॉर्क रेंज है 320 न्यूटन मीटर्स वाली, वो आपको समवेयर अराउंड 1700-1800 RPM से लेके अप टिल 3000 RPM तक आपका टॉर्क रेंज, पूरी टॉर्क पे आप राइड कर सकते हैं। ओके, नो वन। सो कुछ चीज़ों का ध्यान, जैसे प्ले स्टीयरिंग में है, ये अमाउंट ऑफ प्ले है, इतना प्ले सफारी में नॉर्मल है। स्टीयरिंग बहुत ही शार्प नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। और उसके बाद आपके ब्रेक, क्लच ट्रैवल और आपका गियर लीवर ट्रैवल भी बहुत अलग है। यू फील मोर लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड अ ट्रक रैदर दैन इनसाइड अ कार। SUV प्योर रगेड SUV की अपनी ही ब्यूटी है। पिकअप इज मोर देन सफिशेंट। वैसे आइडियली सबको अपनी कार रेव करनी चाहिए कभी कभी 3,500-4,000 RPM तक। आपको कभी टर्बो क्लीनिंग नाम के स्कैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो बहुत सारे मैकेनिक्स कर रहे होते हैं। हमारी गलती होती है कि हम अपने कार को इतना रेव ही नहीं करते हैं, एवरेज निकालने के चक्कर में हमेशा कार्बन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं होता है। तो अगर आपका फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा है, कार्बन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, टर्बो चोक हो जाता है। तो एक वीडियो मैंने उसकी भी शूट करी थी, टर्बो चोक वाले मिथ की, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक कर दूंगा वीडियो टॉप राइट कॉर्नर में, कि हमें टर्बो क्लीनिंग की कभी नीड नहीं पड़ती है अगर आप अपनी कार को प्रॉपरली ड्राइव कर रहे हैं। तो बाकी लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए, हाईवे ट्रिप्स के लिए, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स यू कैन हैव। बाकी आप लॉन्ग टर्म रिव्यू में किसी गाड़ी की असली कंडीशन चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इससे ऑफ रोडिंग भी करी है, मैंने इससे माउंटेन ट्रिप्स भी गए हैं, और मैंने इससे बहुत बेकार रास्ते भी ट्रैवल करे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी रोल बड़ी गाड़ियों में नॉर्मल सी चीज़ होती है। यू ऑलमोस्ट गेट अ हैबिट ऑफ लिविंग विद इट इफ़ यू हैव SUV। बहुत कम SUVs ऐसी हैं जिनका बॉडी रोल कंटेंट होता है, यूजुअली वो बहुत हायर रेंज होती हैं। तो ऑल एंड ऑल, अगर आप सफारी खरीद रहे हैं या फिर आपके पास है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्लस बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे होते हैं कि आपका बॉस मेरे को सफारी चाहिए, मुझे ये मॉडल मिल रहा है, इतने कंडीशन ऐसी कंडीशन है और इतने किलोमीटर्स चली हुई है, तो इसका रेट कितना होना चाहिए। लेकिन कोई भी आप, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आपको कोई भी रेट नहीं बता सकता उसका, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में SUVs की डिमांड अब बढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखें एज सिर्फ सफारी के केस में तो डिमांड कम है, तो यहाँ पे रेट कम मिलेगा। पर अगर आप उसे कंपेयर करते हैं एज़ कंपेयर टू हरियाणा या फिर पंजाब, नॉर्दर्न साइड्स ऑफ द इंडिया,
जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो आपको सेम कंडीशन, सेम किलोमीटर्स और सेम मॉडल वाली कार के रेट ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, कोई भी एक स्पेसिफाइड रेट नहीं है, जस्ट एक फेयर मार्केट वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंगली सारी कार्स को ट्रेड किया जाता है। द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दिस कार कम्स आउट ऑन हाईवेज, जब आपको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है, इट्स अ माइल मंचर। ऑल इन ऑल यही है आपकी सफारी के लॉन्ग टर्म रिव्यू में। इंजन वाइज अच्छी चल रही है अभी तक, अगर आप मेंटेन करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कितना चलती है, कितना किलोमीटर पे आपको इंजन रीबिल्ड की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपको इंजन ओवरऑल कितने टाइम पे कराना पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग, मैं उन सब जो भी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इफ़ यू आर मेंटेनिंग एनी व्हीकल, एनी मीन्स लिटरली एनी व्हीकल ऑन इट्स टाइम, एंड आप उन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं जो उसको चाहिए, लुब्रिकेशन, कूलिंग, आप उन्हें ओवरहीट नहीं होने दे रहे हैं, तो कोई भी गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी। अगर आप काम को डिले करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक चीज़ ख़राब होती है, उसके अफेक्ट से दूसरी चीज़ ख़राब होती है, उसके साथ तीसरी चीज़ अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका बिल जो पहले सिर्फ इतना सा बनना चाहिए था, फिर वो इतना बनता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, मेंटेन योर कार्स वेल, आपके लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, आपकी पॉकेट के लिए भी अच्छा है। तो और आपको अपनी कार से ये नहीं होगा कि यार इसमें ये चीज़ ख़राब होती है, ये चीज़ ख़राब होती रहती है। तो अगर आप टाइम पे मेंटेन करेंगे तो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है, सारी चीज़ें परफेक्टली जिस हिसाब से मैकेनिकल ऑर्डर में वो चलनी चाहिए उस हिसाब से चल रही होती हैं। दे जस्ट नीड प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। दैट्स इट, यहीं ख़त्म करते हैं।